देवास के बालकित्र की रहने वाली महिला दो बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पति की पिछले वर्ष कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी ने बीमा देने से इनकार किया, जिसके चलते जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया। महिला संगीता वर्मा पति स्वर्गीय राजेंद्र वर्मा निवासी अष्ट विनायक नगर बालगढ़ रोड देवास द्वारा बताया गया कि मेरे पति की मृत्यु कैंसर बीमारी से हो गई है। मेरे दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी 13 वर्ष की है और छोटी बेटी 8 वर्ष की है। मेरे पति ने IIFL फाइनेंस बैंक से लोन लेकर मकान लिया था ताकि मेरे बच्चों के सिर पर छत हो जाए। मेरे पति का बजाज एलियंस का बीमा था, पर उन्होंने मेरे पति की मृत्यु के बाद हमारा मकान का लोन माफ नहीं किया। उनका कहना है कि उन्हें मकान लेने से पहले ही कैंसर की बीमारी थी, इसलिए उन्होंने मकान का लोन माफ नहीं किया, जबकि उनको पहले कोई बीमारी नहीं थी। महिला द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर कहा गया कि मेरी मदद करे, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, मुझ पर बैंक वाले दबाव डाल रहे हैं कि या तो किस्त भरो या फिर मकान बेच दो, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी, मेरे पास सिर्फ ये मकान ही है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।